मनोज रामचरण वर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री प्रांतीय शिक्षक संघ एवं वरिष्ठ वाली मंच के सदस्य का, प्रदेश के शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक गुरुजी से बने नवीन शिक्षक संवर्ग को सादर करना। आप लोगों को अधिक वेतन मिलने लग गया है, ना तो हम लोग हमारे कर्तव्य को समझ पा रहे हैं और ना ही हम लोग हमारे अधिकारों को समझ पा रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि आज वेतन आपको जो मिल रहा है, ये वेतन अगर 5 तारीख से लेट होता है तो आप 50 वाहिने बना लेते हैं कि हमारी होम लोन की किस्तें चल रही है, पर्सनल लोनों की किस्तें चल रही है, हमारे बच्चों के पैसे फीस के जमा नहीं हो रहे हैं, दूध के पैसे नहीं दे पा रहे, किराना नहीं खरीद रहे, घर परिवार में बीमार हो गए। यदि 5 दिन वेतन लेट होता है तो आप लोगों को समस्याएं अनेक पैदा हो जाती है, और यदि 20 वर्ष की सेवा उपरांत वो ख़त्म हो जाती है तो नियुक्ति के बाद आप लोग परिवार को कैसे चलाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपकी 1998 से लेकर के 2018 के बीच की 20 वर्षों की सेवा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शून्य कर दी गई है, जबकि एक ही दिनांक को आपकी नियुक्ति हुई, उसी स्कूलों में आप पदस्थ हैं और समय समय पर शिक्षा कर्मी को संविदा या गुरुजी या अध्यापक या नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक नाम दिए गए हैं, किंतु वर्तमान में भारत सरकार ने UPS पेंशन योजना लागू की है। क्या उस योजना के तहत आप लाभ ले पाएंगे, क्योंकि 20 वर्षों की सेवाएं आपकी समाप्त हो चुकी है और 98 का नियुक्त व्यक्ति आज 56 वर्ष की उम्र में पहुंच चुका है, तो 18 से आपकी सेवाएं 25 वर्ष नहीं होंगी। इस कारण से ना तो आपको पेंशन प्राप्त होगी, ना ही आपकी बहुओं के हाथों के खाना आप खा पाएंगे 90% लोग। इसलिए मैं आपका आग्रह कर रहा हूँ, हम आपके चौकीदार हैं, लेकिन आप आज अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये पता नहीं है कि 500 रुपट्टी में काम करने वाले लोगों ने त्याग किया और आज वो रिटायर्ड हो गए हैं, जिनको 393 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही है। आप अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की अवधि की गणना इसलिए सरकार करे, क्योंकि जिस स्कूल में आप पदस्थ थे आज भी उस स्कूल में हो, जो नियुक्ति का आदेश आया था उसके बाद समय समय पर शिक्षा कर्मी का नाम बदल के अध्यापक किया गया, अध्यापक का वेतनमान 1.62 किया गया, 4 समान किस्तों में वेतन दिया गया, 2016 में छठा वेतनमान दिया गया, 6 बार सुधारा गया, 2018 में शिक्षक न बनाते हुए नवीन शैक्षणिक संवर्ग का गठन करते हुए 1 जुलाई 2018 से नियुक्ति दी गई और 20 वर्षों की सेवाएं शून्य कर दी गई। आपका दायित्व है कि आपके लिए खड़े होइए और अपने कर्तव्य को भी निभाते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़िए, और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का गणना करवाते हुए जिस प्रकार से क्रमोन्नति समयमान वेतनमान में लाभ मिला है, ठीक उसी प्रकार से आपको पेंशन ग्रेजुएटी में भी लाभ मिले। आज वर्तमान के हमारे जो नेता है केवल विधायक सांसद बनने की होड़ में लगे हुए हैं, कोई भी आपका कोई नेता नहीं है। इसलिए हम आगाह करते हैं कि हमने आपसे 1 रुपये की कभी चाय नहीं पिए, ना पिएंगे, और दिन रात आपकी काम करते हैं, और जब कोई आते हैं मेरे साथ तो मैं दिन भर अगर बैठ गया एक स्थान पर तो 500 रुपये की चाय पिला के भेजता हूँ और जानकारी भी देता हूँ, भूखे प्यासे हम रहते हैं। मेरे भाइयों निवेदन है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे घर में कोई हमें कोई काम नहीं करवाना है, ना ही झाड़ू पोछा लगवाना है, केवल और केवल अपने अधिकारों के लिए आइए और अपने नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्राप्त करते हुए ग्रेजुएटी और पूर्व पेंशन के लिए 2004 तक नियुक्त पात्र थे, सरकार ने 2005 में पूर्व NPS योजना लागू की है, 2004 तक के लगे लोगों को भारत सरकार के नियमानुसार पूर्व पेंशन का लाभ देते हुए नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पूर्व पेंशन योजना लागू की जाए, साथ ही जो UPS में हमारा 10% जमा होगा उसको भुगतान करें GPF योजना के समान, अन्यथा नवीन पेंशन के हमें UPS चयन नहीं करना है, क्योंकि पूर्व पेंशन में परिवार पेंशन मिलती है, आधा वेतन जो होता है रिटायरमेंट की दिनांक का वो आधा करते हुए महंगाई भत्ता दिया जाता है, साथ ही GPF योजना की जमा राशि भुगतान की जाती है, और इस योजना में UPS में जो आपकी जमा राशि कुछ नहीं मिलेंगी। आप अगर रिटायरमेंट ले सकते हैं तो आज 20-50 की योजना से ले सकते हैं, लेकिन 62 वर्ष की उम्र के बाद ही आपको इस योजना में आपकी जो राशि होगी भुगतान होगी, उसके बीच में कोई नहीं हो सकती है। शेष जानकारियों के लिए हमारी बैठक में आइए, हम जो मैसेज करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे, उसके लिए हम आपको बुला लेते हैं, आप आते नहीं, इसलिए अपने अधिकारों के लिए आइए
हमारी शादी विवाह में बुलाए तो आना, मत आना, लिफाफे बच्चों को दो तो मत देना, किंतु अपने बुढ़ापा में अपना स्वयं का खाना खा सको, अपने ऊपर आश्रित रह सको, ठोकरे ना खाओ। 393 दिनेश कुमार धनगर के पापा चंपालाल जी धनगर के समान 393 रुपये प्रति महीने मत लो। हमारे डीके टेलर थे, आज वो रिटायर्ड हो गए, 3,100 वेतन बनाए, और एक साल पहले मैंने उनका वीडियो जारी किया था, आज उनको देख सकते हैं, स्वयं उठ के चल नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति आपकी भी होगी, इसलिए अपनी वरिष्ठता के लिए लड़िए और पूर्व पेंशन योजना को बहाल करवाइए और नियुक्ति से वरिष्ठता प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।